नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप नाइन। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और बुलेटिन की शुरुआत रूस यूक्रेन टेंशन के साथ करते हैं। रूसी खतरे को देखते हुए पूरे यूक्रेन में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी गई है। इस बीच लुहांस्क और डोनेस्क में खूनी संघर्ष जारी है। रूस एक और जंगी तैयारी कर रहा है, वही यूक्रेन भी अब वॉर की प्लानिंग में जुटा है। सैटेलाइट इमेज से रूस की घेरेबंदी का खुलासा कैसे हुआ, कहां दिखे रूस के रॉकेट लॉन्चर्स, प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन विवाद पर क्या कहा, जंगी बिसात से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए देखिए टॉप नाइन रूस यूक्रेन जंग। लुहांस्क और डोनेस्क में यूक्रेन और रूस समर्थित विद्रोहियों के बीच झड़प जारी है। विद्रोहियों ने यूक्रेन पर रॉकेट अटैक का आरोप लगाया। ट्रॉली बस डिपो में गोलाबारी के निशान दिखे। आईपीआर के मुताबिक हमले में दो नागरिकों की मौत हो गई। यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सेना की तैनाती की ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं। सैटेलाइट इमेज में रूसी फोर्स की 100 से ज्यादा टेंट और युद्ध वाहन नजर आए। किलेन से बेलगोरोद और माइजर में भारी तैनाती देखी जा सकती है। ये इलाके यूक्रेन से महज 30 मील की दूरी पर हैं। रूसी विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके जोलोत में बमबारी से हालात बेहद गंभीर हैं। एलपीआर का दावा है कि यहां यूक्रेन की सेना के हमले में कई घरों में आग लग गई। वहीं डोनेस्क के एक टेलीविजन सेंटर में भी धमाके की खबर है। क्रीमिया में रूस लगातार सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। रूसी मीडिया के मुताबिक देर रात रूस की सेना के T-80 टैंक इस इलाके में नजर आए। वहीं कुसर्क में भी रूसी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां नजर आईं। यूक्रेन को चौतरफा घेरने का है रूसी प्लान। रूस से जंग की तैयारी में जुटा यूक्रेन अब आम नागरिकों से सेना में भर्ती होने की अपील कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस से बढ़ते सैन्य खतरे के कारण रिजर्व सैनिकों की भर्ती जल्द होगी। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने वॉर ड्रिल का नया वीडियो जारी किया है। युद्ध अभ्यास में रूस की जल, थल और एयरफोर्स अटैक की बड़ी तैयारी करती दिखी। बेलारूस के साथ रूस का युद्ध अभ्यास चल रहा है, जिसे यूक्रेन टेंशन के बाद कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। यूक्रेन बॉर्डर से महज 13 किलोमीटर दूर रूस की सेना ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तैनात कर दिए हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक बेलगोरोद में BM-27 रॉकेट लॉन्चर की खेप भेजी गई है। BM-27 महज 20 सेकंड में 16 रॉकेट दाग सकता है। रूसी सेना के एक वीडियो पर ब्रिटेन के विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। मॉस्को ने दावा किया कि रूसी फौज ने विवादित क्षेत्र में यूक्रेन के दो सैन्य इकाइयों पर घात लगाकर हमला किया और दो बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर दिया। रूसी सेना के वीडियो को फॉल्स फ्लैग बताया जा रहा है। यूक्रेन से संघर्ष के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मुद्दे का हल निकालने की बात कही। उन्होंने कहा कि रूस से पूरे मामले पर राजनयिक समाधान के लिए तैयार है, लेकिन रूसी नागरिकों की सुरक्षा और हितों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।